उग्रपंथ और बंगाल विभाजन। उग्रपंथियों का राजनीतिक उदय कांग्रेस के अंदर ही बंगाल विभाजन विरोधी प्रदर्शनों से हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के लोगों द्वारा किए जा रहे जन प्रदर्शनों के बावजूद बंगाल के विभाजन को रद्द करने से मना कर दिया तो अनेक युवा नेताओं का सरकार से मोह भंग हो गया। इन्हें ही नवराष्ट्रवादी या उग्रपंथी कहा गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष प्रमुख उग्रपंथी नेता थे। उन्हें उग्रपंथी कहा गया क्योंकि उनका मानना था कि सफलता केवल उग्र माध्यमों से ही प्राप्त की जा सकती है। उग्रपंथ के उदय के कारण। एक, नरमपंथियों उदारवादियों द्वारा सिवाय भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत विधान परिषदों के विस्तार के कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल न कर पाना। 2.1896-97 के प्लेग और अकाल, जो भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति में ह्रास का कारण बना, के बाद भी ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। 3, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ रंग भेद। 4.1904-05 की रूस जापान युद्ध की घटना ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रमुख उग्रपंथी गरमपंथी बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा निकाले गए मराठा अंग्रेजी में व केसरी हिंदी में नाम का साप्ताहिक पत्रों ने ब्रिटिश शासन पर हमलों में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। 1916 में इन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय या इन्हें शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर कहा जाता था, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साइमन वापस जाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। बिपिन चंद्रपाल, ये पहले उदारवादी थे लेकिन बाद में उग्रपंथी बन गए। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने प्रभावशाली भाषणों व लेखन के द्वारा इन्होंने राष्ट्रवाद के विचार को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। अरविंद घोष, ये एक अन्य उग्रपंथी नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लागू किया था, जिसके कारण निम्नलिखित थे। बंगाली राष्ट्रवाद की ताकत को तोड़ना, क्योंकि बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था। बंगाल में हिंदुओं व मुस्लिमों को विभाजित करना, यह दर्शाना कि ब्रिटिश सरकार इतनी शक्तिशाली है कि वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन विभाजन ने स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जन को जागृत कर जन आंदोलन का रूप दे दिया, जिसका परिणाम बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के रूप में दिखाई दिया।